हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आंसरेटिव प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आपको आज आईआर के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस हम करेंगे कि उनका उत्तर कैसे लिखना है और इन प्रश्नों का जो उत्तर लिखना है वो किस तरह से लिखना है, और इसके लिए आप जो है हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यह है आपका, भारत पाकिस्तान की संबंधों को सामान्य बनाने के मार्ग में विद्यमान प्रमुख बाधाओं का आकलन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों जैसे पहले अभिन्न अंग रहे हैं, उसी तरह से आज एक अभिन्न दुश्मन के रूप में भी हो गए हैं। इनमें दुश्मनी इतनी तगड़ी है कि दोनों एक दूसरे को खेल से लेकर किसी भी मैदान में, राजनीतिक मैदान हो, धर्म का मैदान हो, हर जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो इनके लिए जो संबंध है, संबंध में क्या-क्या बाधाएं आ रही हैं उसकी चर्चा इसमें किया गया है। तो देखिए, ये उत्तर जो लिखना है, पॉइंट में लिखना है, मैंने बात किया था आपसे, तो इसमें देखिए है, भारत और पाकिस्तान का संबंध स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही असामान्य रहे हैं। पड़ोसी देश होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी एवं विघटनकारी नीतियों के कारण उससे लगातार दूर होता गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच में विघटनकारी नीतियां हमेशा से विद्यमान रही हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश के रूप में पाकिस्तान आता है। भारत पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण स्तर पर है, जिन्हें सामान्य बनाने के मार्ग में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं। और दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वह बहुत ही अलग है और विवाद अभी तक समाप्त नहीं हो सका है। तो इसमें विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। इसका पहला कारण है, कश्मीर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान अलगाववादी ताकतों के माध्यम से कश्मीर को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहा है, जिससे भारत पाकिस्तान के संबंध और भी खराब हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो है तनाव का प्रमुख मुद्दा रहा है कश्मीर। कश्मीर को कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने अभी भी कब्जा कर रखा है और उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। सरक्रीक गुजरात के कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान में सिंध प्रांत की सीमा में स्थिर एक 60 किमी का ज्वारी चैनल है। एक इसके बीच में ज्वारी चैनल है जो है केवल 60 किलोमीटर का है। उसके लिए भी यहां पर विवाद चल रहा है। इस क्षेत्र को लेकर विवाद प्रमुख कारण दोनों पक्षों द्वारा इससे अपनी सीमाओं में बताया जाना रहा है। आप बता दें, सरक्रिक गुजरात के कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारी द्वीप है और यह द्वीप 60 किलोमीटर का है। पाकिस्तान अपना बताता है और भारत उसे अपना कहता है। इन दोनों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद होता रहा है। इसके बाद अगले विवाद का कारण है भारत पाकिस्तान के सिंधु जलराशि। सिंधु जलराशि भी भारत पाकिस्तान के विवाद का कारण रहा है। सिंधु जलराशि के उपयोग के लिए जो है 1960 में आया था के अनुसार भारत सिंधु चेनाब झेलम नदियों के जल का सिर्फ 20% उपयोग कर सकता है। भारत इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर एक प्रोजेक्ट है में वे पन बिजली उत्पादन संयंत्र जिनमें जल को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है पर कार्य कर रहा है, जिस पर पाकिस्तान को आपत्ति है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़े का प्रमुख कारण ये भी रहा है कि सिंध की नदियां जो है, इसकी सिंध की प्रमुख नदियों में सिंध चेनाब झेलम नदियों के जल का सिर्फ 20% उपयोग भारत को करने की बात कही गई। नदियों पर जब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया भारत ने, तो पाकिस्तान ने में इस पर क्या हुआ, एक आपत्ति जताई, जबकि यह पानी बिना रोके ही प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसके बाद है पाकिस्तान पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियां
फैला रहा है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध में गड़बड़ी हो रही है, जो दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने में बड़ी बाधा है। 18 सितंबर 1916 को उरी सेना कैंप पर हुए आतंकी हमला के पश्चात भारत को बाध्य होकर 29 सितंबर 1916 को नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना पड़ा था। आपको बता दें कि ये जो है उरी पर, उरी सीमा के पास जो है एक इन्होंने कैंप पर एक आतंकी हमला किया था, जिसके बाद भारत जो है अपनी स्थिति को सामान्य करने के लिए इन पर जो है क्या करता है, अलगाववादी नीतियां अपनाता है और भारत उनकी उनको नियंत्रित करने के लिए उनके सीमाओं को नष्ट कर देता है। ये जो है ये भी कारण बना है। अफगानिस्तान में विकासात्मक कार्यों को पाकिस्तान संदेह की दृष्टि से देखता है। भारत अगर अफगानिस्तान को वो विकसित करना चाहता है, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो पाकिस्तान ये समझता है कि भारत हमें अफगानिस्तान और भारत दोनों की ओर से घेर रहा है। भारत के विरुद्ध चीन व पाकिस्तान का सामरिक गठजोड़ इसमें चर्चा में रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बढ़ती अलगाववादी गतिविधियों के संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा भारत को दोषी ठहराना, पाकिस्तान की नागरिक सरकार पर सेना व कट्टरपंथियों का प्रभाव, भारत के विरोध में के बावजूद पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन, पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोधी नीति आदि भी भारत पाकिस्तान को सामान्य संबंधों को सामान्य बनाने में प्रमुख बाधक सिद्ध हो रहे हैं। आप जैसा जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का पाकिस्तान खुलकर विरोध करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चीन जो है एक जो है विभीषण का काम कर रहा है, यह भी जो है निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विरोधी नीतियां बन रही हैं, यह भी इसका प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला है भारत पाकिस्तान संबंध में प्रमुख बाधाएं क्या हैं। इसको ग्राफ द्वारा देखेंगे तो आप ये समस्त ग्राफ द्वारा देखिए इसमें क्या है, विभाजन से उत्पन्न समस्याएं। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह कश्मीर को लेकर के है। क्या है, कश्मीर पहला कारण है। कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ का राजा जो हरि सिंह था वह क्या था, एक हिंदू राजा था। यहाँ की पूरी जनसंख्या क्या है, मुस्लिम थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया तो वह भारत सरकार से सहायता मांगी और सहायता के परिणाम स्वरूप एक समझौते के तहत कश्मीर का विलय भारत में कर दिया गया। और कश्मीर का जो विलय भारत में किया गया तो शुरू प्रारंभ में तो सन 2019 तक पाकिस्तान को एक मतलब कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखा गया, जिस पर पाकिस्तान मनमानी जो है नीतियां अपनाता रहता था। लेकिन अब हाल ही में भाजपा सरकार ने कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और जिससे जो है पाकिस्तान और भी चिढ़ चुका है। तो इस तरह की नीतियां जो है निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या का कारण बन रही है। सियाचिन विवाद भी इसका प्रमुख कारण है। सर क्रिक विवाद, जैसा कि मैंने बताया गुजरात में एक ज्वारी द्वीप है सर क्रिक, इसके कारण भी पाकिस्तान भारत के संबंध मधुर नहीं रहे। सिंधु नदी जल विवाद, जैसा कि बताया झेलम चिनाव जैसी नदियों पर जो है भारत जो है प्रोजेक्ट लगा रहा है, उससे भी पाकिस्तान को आपत्ति है, यह भी विवाद का कारण बन रहा है। इसके बाद वर्तमान में विवाद का क्या कारण है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादी गतिविधियों में छुपे तौर पर कहीं ना कहीं सम्मिलित पाया जाता है, और यही सम्मिलितता के कारण उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सदैव विरोध करता है, और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं, और यह अलगाववाद दोनों के बीच में झगड़े का कारण और बढ़ा देता है। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती भूमिका, अफगानिस्तान में भारत
कि जो भूमिका हो रही है अच्छी हो रही है, इससे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का कारण बन रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत हमें दोनों तरफ से घेरने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी है अफगानिस्तान और भारत का भी पड़ोसी है। तो इस दृश्य जो है, ये दोनों एक दूसरे मिल करके हमें घेरे ना, पाकिस्तान इससे भी चिढ़ता है। भारत के विरुद्ध चीन व पाकिस्तान के गठजोड़, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन दोनों मिल करके भारत के प्रबल शत्रु के रूप में आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और सन 1965 में पाकिस्तान, 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना दिया। परिणाम स्वरूप इसके कारण भी पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव सदैव बना रहता है। पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति, पाकिस्तान हर मंच पर भारत का विरोध करता है और इस भारत विरोधी नीति के कारण पाकिस्तान और भारत के बीच में हमेशा तनाव कटपूर्ण बने रहते हैं। इसके जो है संबंध हमेशा कटपूर्ण बने रहते हैं, तनाव बना रहता है। दूसरा है पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन, जो समझौते किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो समझौता रेखा है उसका भी उल्लंघन किया जाता है। क्या किया जाता है? उल्लंघन किया जाता है। परिणाम स्वरूप जो युद्ध विराम की समझौता हुआ है उसके कारण भी पाकिस्तान और भारत के संबंध मधुर नहीं रहते हैं। अभी देखिए हाल ही में पाकिस्तान ने पुनः कोरोना काल में भी टिड्डियों से भारत पर आक्रमण करा दिया। टिड्डी संकट भारत में उत्पन्न हुआ, कई राज्यों की फसलें बर्बाद हो गई। तो पाकिस्तान के नीतियों से भारत क्या होता, कट होता। और हाल ही में जैसा कि आपने सुना होगा जो पीयूके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसमें क्या करता है, अपने यहाँ के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को छोड़ रहा था और तमाम प्रकार की गतिविधियां जो पाकिस्तान करता रहता है, इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो है संबंध जो है मधुर न होकर के कटु होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियों पर भारत को दोषी ठहराना, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का जो विरोध कर रहा है वह यह सोचता है भारत की नीति है और भारत किसी नीतियों के कारण वो इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। पाकिस्तान की राजनीति पर सेना व कट्टरपंथियों का प्रभुत्व, पाकिस्तान की राजनीति पर सेना प्रमुख रही है, जैसा कि परवेज मुशर्रफ देखिए सेना का प्रमुख था, राष्ट्रपति तक बन गया वहां का, ये असर पड़ रहा है पाकिस्तान पर और कट्टरपंथी नेताओं का वहां पर राज्य है, और जिसके कारण आज भी वहां लोग शिक्षा अशिक्षा और शिक्षा से वंचित हैं और अशिक्षा के शिकार हैं, जिसके कारण भारत पाकिस्तान के बीच में कट्टरपंथियों का भी प्रभाव देखा जाता है। और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के जो है प्रभाव जो है एक दूसरे के प्रति जो है दोषपूर्ण बने हुए हैं। ये जो है आपका प्रश्न था और इसका ये उत्तर इस तरह से ही लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, बिम्स्टेक में भारतीय निहितार्थों की पहचान कीजिए। भारतीय विदेश नीति में यह आजकल सार्क की तुलना में अधिमान्य क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षेस क्या है, दक्षेस में कुल 8 सदस्य हैं और पाकिस्तान और भारत भी उसके प्रमुख सदस्यों में से एक हैं, और लेकिन बिम्स्टेक जो आया, बिम्स्टेक उसी का पूरक है और इसमें पाकिस्तान उसका सदस्य नहीं है। ऐसे में भारत जो है, भारत का विरोध पाकिस्तान करेगा, तो ऐसे में बिम्स्टेक का सदस्य न होने के कारण बिम्स्टेक के समस्त सदस्य भारत का पहले समर्थन करेंगे, पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये बनाया गया है क्यों है, इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है? बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से वर्ष 1997 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में शांति समृद्धि तथा सतत विकास से सदस्य देशों के मध्य सहयोग व एकजुटता को बढ़ावा देना है। दूसरा है, भारत के बिम्स्टेक के प्रमुख निहितार्थों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। दुनिया की लगभग 22% आबादी
बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित इन सात देशों में निवास करती है। बिम्स्टेक में सात सदस्य हैं, जबकि सार्क में आठ सदस्य हैं। अफगानिस्तान भी उसका सदस्य बन गया है। साथ ही इन देशों की संयुक्त जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। अतः यह क्षेत्र भारत के लिए बृहद बाजार भी उपलब्ध कराता। बंगाल की खाड़ी इसको जो है बहुत बड़ा व्यापार क्षेत्र भी उपलब्ध कराता है, की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ ही चीन बंगाल की खाड़ी तथा इसके आसपास के देशों में बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय हैं। अतः चीन के प्रति संतुलन की दृष्टि से साथ ही सामरिक दृष्टि से यह संगठन भारत हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बन रहा है। बिम्स्टेक जो है, जो चीन की नीतियां हैं उसके खिलाफ भारत को मजबूत कर रहा है, यह भी इसके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। दुनिया में होने वाले समुद्री व्यापार का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है, जिसमें भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। इस लिहाज से बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों से सौहार्दपूर्ण रिश्ते समुद्री व्यापार की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिम्स्टेक देशों के भारत से साझा संस्कृति, बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य हैं वह बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं, भारत के साथ उसकी साझी संस्कृति है तथा वहां बड़ी मात्रा में निवास कर रहे भारतीय मूल यहां पर निवास कर रहे भारतीय मूल के लोगों का उपयोग भारत अपने लिए दबाव समूह के रूप में कर रहा है। भारत इसके लिए क्या है, दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा है के रूप में कर रहा है। भारत की विदेशी नीति में पहले पड़ोसी व एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से भी बिम्स्टेक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिम्स्टेक जो है सार्क से कहीं ना कहीं भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बात करें इसकी तो आप ये समझ सकते हैं कि बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं भारत के साथ संस्कृति साझा करते हैं, और संस्कृति कहीं ना कहीं ही लोगों की राजनीति को भी प्रभावित करता है। तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात, वहां की बड़ी मात्रा में निवास कर रहे भारतीय मूल के लोगों का उपयोग भारत अपने हित दबाव समूह के रूप में कर सकता है। जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं उन देशों में भारतीय मूल के लोग इतने ज्यादा हैं कि उनका उपयोग भारत किस रूप में कर सकता है, अपने जो है दबाव समूह के रूप में कार्य करा सकता है। और भारत की विदेश नीति के पहले पड़ोसी व ईस्ट एक्ट पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से भी बिम्स्टेक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिम्स्टेक जो है भारत के लिए मील का पत्थर है, ऐसा संगठन है जो सार्क से कहीं ना कहीं क्या है, अधिक भारत के लिए अच्छा है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से भी यह संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना तथा कालादान परियोजना म्यांमार की आदि के परिचालन में आ जाने से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, परिवहन तथा संचार की गतिविधियों के साथ ही एक वैकल्पिक रास्ता भी प्राप्त हो रहा। जैसा कि आप जानते हैं थाईलैंड में भारत के बहुत से लोग रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, यहाँ के देश जो है म्यांमार में रहते हैं, ये पूरे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं, और ये सभी क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, बाजार उपलब्ध कराते हैं, भारतीय लोगों के रोजगार भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। गोल्डन ट्रायंगल के पास स्थित गोल्डन ट्रायंगल के पास अवस्थित होने के कारण भारत में मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवास के कारण आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। बिम्स्टेक के सदस्यों के साथ सहयोग व साझा प्रयास द्वारा इसे रोका जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां और उग्रवादी गतिविधियां
वहां पर हैं और इन सभी पर नियंत्रण करने के लिए भारत के लिए बिम्स्टेक बड़ा ही सहयोगी हो रहा है। निम्नलिखित कारणों से वर्तमान में भारत सरकार सार्क की अपेक्षा बिम्स्टेक को अधिक महत्व दे रहा है। कौन को कारण है इसके, तो आप इसके कारण देख सकते हैं। सार्क अप्रवासी गतिविधियां, जो सार्क की अप्रवासी गतिविधियां हैं, सार्क आप सार्क आपसी सार्क की जो आपसी गतिविधियां हैं, सार्क की आपसी गतिरोध के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। क्योंकि आप जानते हैं सार्क का एक प्रमुख सदस्य पाकिस्तान है और पाकिस्तान भारत का विरोधी है, जिसके कारण किसी भी चीज पर निर्णय आसानी से नहीं लिए जा सकते हैं। जबकि बिम्स्टेक अपने लक्ष्यों के निर्धारण व उनके उनको प्राप्त करने में स्पष्ट राजनीति का पालन कर रहा है। सार्क के मंच से विभिन्न क्षेत्रीय व संघर्ष के मुद्दों पर अधिक महत्व दिए जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ, जबकि बिम्स्टेक के देशों ने विवाद के मुद्दे को अपने से अपने को दूर रखते हुए सहयोग के मुद्दे को बढ़ावा दिया है। उदाहरण स्वरूप रोहिंग्या मामले को बिम्स्टेक के मंच से न उठाने को लेकर सदस्य देशों की सहमत। आपको जानते हैं जब रोहिंग्याओं को बर्मा ने अपने देश से निकाल दिया तो भारी मात्रा में जो ये लोग निकले इनको बिम्स्टेक अपने मंच से नहीं उठाया, इस मुद्दे को उठने ही नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और यह संगठन जो है कमजोर साबित हुआ। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के कारण भी सार्क सहयोग का मंच नहीं बन पाया, जबकि बिम्स्टेक के सभी देशों द्वारा विभिन्न मंचों से न केवल इसका प्रतिरोध किया गया बल्कि उरी हमले के उपरांत इसकी बैठक में न जाने को लेकर मजबूती से भारत का साथ खड़े रहे। आपको बता दें बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य हैं उसमें से अधिकांश सदस्य सार्क के सदस्य भी हैं, और सार्क के जितने भी सदस्य हैं ये जो है मतलब सार्क के सदस्य वह बिम्स्टेक के सदस्य हैं, पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान के विरोध में सभी बिम्स्टेक के सदस्यों ने भारत के साथ खड़े रहे और हर जगह पाकिस्तान का विरोध किया उरी संघर्ष को लेकर के, ये इसका बहुत बड़ा कारण रहा। अब इसको आप देख सकते हैं कि ये बिम्स्टेक का खाका क्या है, आखिर बिम्स्टेक जो है यह है क्या। बिम्स्टेक में आप देख लीजिए देश जो शामिल है 7 सदस्य हैं, जिसमें सदस्यों में आपका बता दें भारत, इसके प्रमुख सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो देश हैं ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक कब आया, 1997 में चर्चा में आया। कब आया, 1997 में चर्चा में आया। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किया गया, बिम्स्टेक की स्थापना बैंकॉक जो है घोषणा पत्र के द्वारा किया गया। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ढाका में है। बिम्स्टेक का सचिवालय या मुख्यालय कहां पर है, ढाका में है। ढाका बर्मा की बांग्लादेश की राजधानी है। पहला शिखर सम्मेलन इसका 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, थाईलैंड में हुआ। इसके बाद बिम्स्टेक द वे ऑफ बंगाल, इसका पूरा नाम है बिम्स्टेक का द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम है बिम्स्टेक का पूरा नाम है, क्या नाम है, बिम्स्टेक का पूरा नाम है द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका नाम है। हालिया में चौथा सम्मेलन 2018 में काठमांडू नेपाल में किया गया, नेपाल में इसका एक जो है हाल ही में एक सम्मेलन किया गया था, और यह सम्मेलन कहां हुआ, नेपाल, जो काठमांडू में हुआ, काठमांडू नेपाल की राजधानी है वहां पर हुआ। और इसके बाद इसकी बात करें सचिवालय ढाका में है, और बिम्स्टेक भारत का पुरजोर समर्थन करता है, भारत का पुरजोर समर्थन करता है, जिसके कारण पाकिस्तान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के मध्य रिश्ते अस्थायी स्थायी न होकर गतिशील होते हैं, जो समय काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो सार्क के स्थान पर भारत द्वारा बिम्स्टेक और आसियान को अधिक महत्व दिया जाना भी वर्तमान परिस्थिति व राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। बता दें कि वर्तमान में बिम्स्टेक का समर्थन भारत के लिए हितकर है और सार्क को कम महत्व देना भी भारत के लिए हितकर है। अगर भारत सार्क को अधिक महत्व देगा तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा, अगर बिम्स्टेक को अधिक महत्व देगा तो भारतीय मजबूत होंगे और उसके सदस्य मजबूत नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है, किसका? भारत का। ठीक है, अगले चैप्टर्स में, अगले मतलब क्रम में या क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है भारत म्यांमार संबंधों की मधुरता, भारत और म्यांमार की, भारत और म्यांमार संबंधों की मधुरता भारत के लिए बहुत ही साधने वाला है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये जो है आपको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है।